और राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कला तेज हो गई है। राजस्थान में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन की मांग पहले ही उठाई जा रही है और इस बीच सरकार के एक मंत्री ने सीएम को अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। युवा मामले और खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत के प्रधान सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। चांदना ने सीएम गहलोत को टैग करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी चांदना के ट्वीट पर जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कृष्णम ने लिखा कि खराबी इंजन में है और आप डिब्बे बदलने की बात कर रहे हो। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पुतिन के सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले करते दिखाई दिए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई और फिर तेज रोशनी और धुएं के गुबार के साथ ही इस मिसाइल ने अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिक भी मार दिए गए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अपनी इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जो 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भी भर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के ठिकानों पर छापे पड़े। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मुंबई और पुणे समेत कई जगहों पर छापेमारी की। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ ले ली। लोकल गार्जियन की हैसियत से काम करूंगा। दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वालों की तलाश में जुट गई। ज्ञानवापी और मथुरा के बाद अब यूपी में लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू महासभा ने टीले वाली मस्जिद के लक्ष्मण टीला होने का दावा किया है और इसके लिए आंदोलन चलाने की बात कही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टर के जरिए आज लोगों को बड़ी संख्या में टीले वाली मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर में चलो टीले वाली मस्जिद के नाम से जारी किया गया। हालांकि मस्जिद प्रबंधन ने ऐसे किसी भी पोस्टर को खुद की तरफ से जारी करने से इनकार किया है। नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद हथियार भेजने का ऐलान किया। लिथुआनिया इस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और अब वो दूसरे हथियारों के साथ ही यूक्रेन को 20 M113 बख्तरबंद गाड़ियां भी देगा, जो रूस के खिलाफ जंग में जेलेंस्की की सेना के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि